वाड़ी थाना क्षेत्र के एमआईडीसी वाड़ी टी पॉइंट स्थित रोहित रेस्टोरेंट में क्राइम पुलिस के सिपाही की पिटाई के मामले से शहर के पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार 8 जून को रात 9 बजे वाड़ी टी पॉइंट स्थित रोहित रेस्टोरेंट में मिश्रा पान पैलेस के सामने क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 1 के 36 वर्षीय सुशील अमृतलाल श्रीवास्तव, यह नागपुर में कार्यरत है, वह जब अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे तो वह मिश्रा पान पैलेस में रुके। उसने देखा कि कुछ गुंडे नागरिकों पर गंदी गाली गलौज कर रहे हैं। सिपाही सुशील ने आरोपियों से पूछा तो आरोपी बोले तू कौन है और हाथापाई शुरू कर दी। बच्चे नशे में थे, बच्चों ने दारू गांजा का सेवन किया था। सिपाही ने अपना परिचय पुलिस वाले के रूप में दिया। उनमें से एक के हाथ में बड़ा पत्थर था जबकि दूसरे ने पुलिस सिपाही के हाथ पकड़ रखे थे। हालांकि कुछ सज्जनों ने इकट्ठा होने के कारण अनर्थ टल गया और सिपाही सुशील कुछ ही देर के लिए रोहित होटल में भाग गया। सूचना मिलने पर वाड़ी क्राइम PI विनोद गोडबोले, DB प्रभारी API नैनेश्वर धवले, HC तुलसी शुक्ला मौके पर पहुंचे। आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपी यूसुफ सलीम खान उम्र 19 साल, शादाब सलीम सैयद उम्र 19 साल, अभिषेक सिंह चंद्रकांत सिंह ठाकुर उम्र 22 साल, सभी नागपुर निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच वाड़ी पुलिस वरिष्ठों के मार्गदर्शन में कर रही है। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।